हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी वीडियो है वो प्रेशर के बारे में है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो है बेटा, जब हम किसी यूनिट एरिया के ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो हमारा प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दबाव में। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रखा है कि ये जो आपका चक्कू है, नाइफ है, ये जब हम एप्पल के ऊपर लगाते हैं तो यहाँ ये जो सरफेस है ये कम्प्लीटली इसके ऊपर क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं इसके द्वारा, तो ये हमारा एप्पल क्या हो जाता है, कट हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या है, इसका एरिया, इसने इसको क्या किया, कवर किया, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, ये कटा। लेकिन यहाँ पे ये जो सरफेस है, सरफेस एरिया, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है प्रेशर, मतलब एरिया जो है प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, अपना प्रेशर कहलाता है। तो इसकी जो हम मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखेंगे पी, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से और एरिया को ए से, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे देखो दो बातें आ रही है, प्रेशर जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के है, डायरेक्टली किसके है, फोर्स। इसका मतलब क्या है, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल बात करते हैं, जैसे एरिया की बात कर रहे थे या फोर्स की बात करके बताती हूँ आपको। अगर मान लो कोई, जैसे आप इसके ऊपर फोर्स, इस चक्कू के ऊपर या नाइफ के ऊपर या आप फोर्स ज़्यादा लगाते हो तो ये कट जाएगा इजीली, मतलब प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा आपका। और दूसरी बात, अगर मान लो फोर्स ज़्यादा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ब्लंट नाइफ है और फिर भी आपको काटना है इसको, एप्पल को, तो भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि प्रेशर ज़्यादा लगे। लेकिन दूसरी केस, अगर आप फोर्स कम लगाना चाहते हो और भाई प्रेशर आपका ज़्यादा करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आप एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट देखो। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे अगर हमने शार्प नाइफ लिया, नाइफ कैसा लिया, शार्प, बिल्कुल पैना लिया, तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया उसका, बिल्कुल ही कम हो गया। कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया, ये है ना, देखो जैसे कॉन्टैक्ट एरिया कम तो फिर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा, तो ईजिली अपना कट जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने बिल्डिंग्स देखी हैं, उनकी जो फाउंडेशन है वो कैसी बनाई जाती है, नीचे से ब्रॉड बनाई जाती है। किस वजह से, ये इसी वजह से बनाई जाती है बिल्डिंग की फाउंडेशन ब्रॉड, ताकि हमारी पूरी बिल्डिंग का जो वेट है वो उसके ऊपर आ सके और प्रेशर क्या लगे, कम लगे। क्योंकि जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा, ब्रॉडर होगा, ब्रॉडर मतलब चौड़ा, ब्रॉडर का मतलब क्या होता है, चौड़ा। अगर हमारा जो बेस है, फाउंडेशन है, वो चौड़ी होगी तो सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर जाएगा, उन फाउंडेशंस पे जाएगा, ठीक है ना। ऊपर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाते हैं अपन, 5-6 मंजिल, 10-15 मंजिल जो भी है, तो वो जो ब्रॉडनेस है उसकी वजह से क्या होता है, एरिया कॉन्टैक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही आपने देखे होंगे कार वगैरह के जो टायर हैं, या फिर आपके ट्रक वगैरह की, कार की वजह ट्रक का देखो, ट्रक के टायर क्या होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, वजन लेके जाता है, तो एरिया क्या हो जाएगा वहाँ पे, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम। अब हम बात करते हैं जो प्रेशर लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड भी बेटा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अब ये कैसे बताएंगे कि लिक्विड एग्जर्ट करते हैं, जैसे अगर हम सेम हाइट की बात करें, हमने एक बोतल लिया और बोतल में हमने पानी फिल कर दिया और हमने सेम हाइट के ऊपर 3 कट लगा दिए इस पे, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप इसको खोलोगे ऊपर से क्या होगा ये, मतलब जैसे इसमें पानी ऊपर तक रहेगा, जैसे ही आपने तीनों छेद जो हैं, होल्स जो हैं, इनको ओपन किया, तो इक्वल अमाउंट में तीनों साइड क्या जाएगा, इक्वल वाटर, इक्वल प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि सेम हाइट के ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा। लेकिन अगर हाइट अलग अलग है, हाइट क्या है, अलग अलग, तो फिर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड एट डिफरेंट हाइट, डिफरेंट, यहाँ पे सेम हाइट पे प्रेशर कैसा था आपका, सेम प्रेशर था, मतलब इक्वल प्रेशर, ठीक है, क्या लगा यहाँ पे, इक्वल प्रेशर। लेकिन जब अलग है तो फिर प्रेशर भी क्या होगा, अनइक्वल, अनइक्वल मतलब डिफरेंट, अनइक्वल प्रेशर मतलब डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो आपने ये चीज़ तो आप चेक कर सकते हो, बोतल फिल करो पूरी, 3 छेद कर लो, तो सबसे नीचे वाले में प्रेशर क्या लगेगा, सबसे ज़्यादा, ऊपर वाले में कम और उससे ऊपर वाले में सबसे कम। इसका मतलब ये है कि डेप्थ पे, डेप्थ मतलब गहराई में प्रेशर क्या होता है, डेप्थ में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। जितना ज़्यादा डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जितना ज़्यादा ऊँचाई पर जाते हैं, एल्टीट्यूड्स पे, हम बात करते हैं एल्टीट्यूड्स की, तो एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई? अगर हम कहाँ जाते हैं,
एल्टीट्यूड पे, जैसे पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज एयर प्रेशर। और अगर हम डेप्थ में जाते हैं, जैसे सी में, समुद्र के नीचे जाते हैं पानी में, तो फिर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और बात है यहाँ पे कि प्रेशर को हम मेज़र कैसे करते हैं। प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम प्रेशर गेज यूज़ करते हैं, प्रेशर गेज, या फिर हम उसको बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है बेटा यू शेप का होता है। इसमें आपको देखो मैंने दो यहाँ पे ये लगा रखे हैं लेवल इसके, और यहाँ पे पानी के अंदर ये डायफ्राम डाला। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूँगी, जैसे पानी फिल कर रखा है, जैसे मैं इस डायफ्राम को इसके अंदर दबाऊंगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये चीज़ ऊपर जाएगी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया ना, इनके लेवल में डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द वाटर, इसके अंदर यही चीज़ किसको मेज़र करेगी, आपके प्रेशर को मेज़र करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर हम किसके द्वारा मेज़र करेंगे, मैनोमीटर के द्वारा। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होती है, अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी, फोर्स पर यूनिट की एरिया क्या कहलाया था आपका, प्रेशर था। तो फोर्स की यूनिट क्या थी, जो हम पिछली उसमें वीडियो में चेक कर सके हैं, कर चुके हैं कि फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन। और एरिया, एरिया में क्या आती है, लेंथ और ब्रेड्थ आती है। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ए ब्रेड्थ की भी मीटर, तो मीटर स्क्वेयर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। या फिर हम इसको मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो न्यूटन पर मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर को क्या बोलते हैं, पास्कल। तो इसका मतलब प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, पास्कल। उसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाम से ही पता लग रहा होगा, जो प्रेशर एयर के द्वारा एग्जर्ट होता है, प्रेशर एग्जर्ट बाय द एयर, या फिर द लेयर अराउंड द अर्थ, जो लेयर है एयर की चारों तरफ, उसके द्वारा प्रेशर जो एग्जर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं भाई, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उससे पहले एक और भी चीज़ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना बेटा, उस अब तुम कहोगे मैडम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमारी जो बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, तो हमारे ऊपर भी लगा रहा होगा, क्योंकि हम अगर हम एक इसका यूनिट स्क्वेयर एरिया लें, या फिर अगर कोई हम एक स्पेस ले लें भाई, इसके अंदर कितना है, अगर हम एक बात करें कि हमारे ऊपर कितना लग रहा है, तो यू सोच के देखो 10 हाथियों के वजन जितना प्रेशर एयर हमारे ऊपर लगा रही है, तो हमें क्रैश कर देगी एक तरीके से, लेकिन नहीं कर रही है ना क्रैश। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, इंटरनली प्रेशर लगाती हैं। उनका प्रेशर और बाहर की हवा का प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देती हैं, मतलब उनके इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होता है, दोनों के साइड से इक्वल और कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यही चीज़ हम माउंटेन्स के ऊपर जाएंगे तो हमारा ऊपर एयर क्या है, माउंटेन्स पे कम होती है, और प्रेशर क्या लगता है वहाँ पे भाई, प्रेशर जब एयर कम है तो प्रेशर भी कम होगा, तो वहाँ पे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, जो वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज होता है। आपने देखा एक सकर, रबर सकर देखा होगा, अपन अलमीरा पे भी लगाते हैं, या फिर मतलब कोई हुक वगैरह टाइप में, तो इसमें नीचे क्या होता है, इसके नीचे की एयर निकाल दो और फिर हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख दें, एयर निकाल के, और बिल्कुल नीचे की एयर इसमें से निकाल दो, तो आप क्या देखोगे कि इसको हटा नहीं सकते हम, वो एक प्रकार से ऐसे लगेगा जैसे आपने सेलो टेप के साथ चिपका दिया हो, या फिर फेबिकोल लगा दिया हो। तो वो किसकी वजह से हुआ भाई, इसके अंदर की एयर तो आपने निकाल दी, ये तो वैक्यूम बना दिया, और ऊपर की हवा जो है इसके ऊपर प्रेशर लगा रही, तो कैसे हटेगा, ये नहीं हटेगा। तो ये हमारी अलमीरा वगैरह में हम कोई भी चीज़ मतलब लटकाने में, हैंगिंग करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। एक आपने देखा है वो क्या नाम है, ये पैराशूट्स वगैरह जो राइड करते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, वो भी किसकी वजह से आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नीचे आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे ये क्या नाम है, इसके अलावा एक और भी है, बुक में देख के बताते हैं, मैं मेरे माइंड में नहीं आ रहा, थर्ड पॉइंट है इसमें, एक तो ब्लड प्रेशर वाला ही था, जस्ट अ वेट, हाँ पैराशूट्स वाला था एक ये, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ के सरफेस पे लगता है, उसके द्वारा हमें ना जैसे अपनी ये जो वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं, मतलब मौसम की भविष्यवाणी करना, वो भी हम किसके द्वारा पता करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा। तो ये इंडिकेट करता है कि बारिश आना या फिर भाई बर्फ पड़ना। ये कि यहाँ पे बैरोमीटर यूज़ कर रहा है, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने के लिए तो मैनोमीटर यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। ये देखो पैराशूट्स वाला भी इसमें एग्जांपल दिखा रखा है, और मैंने जो एयर सकर दिखाया था ना, रबड़ सकर, उसका भी दिखा रखा है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही दे रखी है, जो आपके होते हैं ना क्या नाम है, ये जो अपन जूस वगैरह पीते हैं सिप करके स्ट्रो के द्वारा, तो वो भी इसके द्वारा ही होता है। जैसे अपन वो जो ये स्ट्रो है, ये जो पाइप होता है, इसके ये पाइप जब हम लगाते हैं तो इसमें जो एयर है वो हम माउथ के द्वारा क्या कर लेते हैं, सकिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे एयर क्या है, कम। और ये ग्लास में जैसे क्या है आपका जूस है, तो ये जो यहाँ
यहाँ की जो एयर थी वो तो आपने सकिंग कर ली, और ये जो एयर है जो बाहर से हवा लगा रही वो इसके ऊपर ज़्यादा, तो ये क्या करेगी इसको जो लिक्विड है इसको एग्जर्ट करेगी, इस पर धक्का लगाएगी तो ये कहाँ जाएगा ऊपर। तो इसी एयर डिफरेंस की वजह से क्या एग्जर्ट हुआ एयर प्रेशर, और वो जो जूस या पानी वगैरह कहाँ गया हमारे माउथ में। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है। तो बेटा ये हमारा जो चैप्टर है ये कम्प्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर